नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। पेगासस पर संसद में आज भी हंगामा के आसार, 11 दिनों से सदन में जारी है गतिरोध। ब्रिक्स के मन से भारत ने दुनिया को किया आगाह, दूर दूर तक होगा अफगानिस्तान के संकट का असर। ओबीसी की पहचान का राज्यों को फिर दिया जाएगा अधिकार, केंद्र सरकार मानसून सत्र में ही लाएगी विधेयक। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आर नॉट ने बढ़ाई तीसरी लहर की चिंता, 8 राज्यों में आर फैक्टर ज्यादा। मध्य प्रदेश के 7 जिलों के 200 गांव बाढ़ से घिरे, सेना मोर्चे पर अभी भी खतरे में है 2000 जिंदगियां। यूपी में बेसहारा महिलाओं को भी आर्थिक मदद देगी योगी आदित्यनाथ की सरकार, हर महीने मिलेंगे 2000 रुपए। यूपी में 1,80,00,000 लोगों को मिलेगा निःशुल्क बैग, सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में की घोषणा। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने की यूपी की तारीफ, कहा निवेशकों के लिए है सुरक्षित जगह। रायबरेली उचाहार एनटीपीसी अस्पताल में सीबीआई जांच शुरू, गुपचुप तरीके से पहुंचे सीबीआई के डीएसपी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी साइकिल चलाकर कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश, ब्राह्मणों को भी साधने की है कोशिश। अमेरिका में पेंटागन के पास मेट्रो स्टेशन पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 1 की मौत। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा अफगानिस्तान में शांति से पाकिस्तान को होगा सबसे अधिक लाभ। आईएसआईएस में शामिल हुआ रानी को मारने की कसम खाने वाला ब्रिटेन का हमलावर। जो बाइडन बोले, भारत और अन्य देशों को वैक्सीन उत्पादन में मदद कर रहा है अमेरिका। रेस्तरा जिम में एंट्री के लिए कोरोना वैक्सीन अनिवार्य करने वाले अमेरिका का पहला शहर बना न्यूयॉर्क। शॉटपुट खिलाड़ी तेजिंदर सिंह तूर ने किया निराश, फाइनल की दौड़ से हुए बाहर, एशियाई और राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक तूर टोक्यो ओलंपिक में नहीं दोहरा सके अपना प्रदर्शन। पीवी सिंधु महानतम ओलंपियन में से एक, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बांधे तारीफों के पुल। ओलंपिक में भाग ले रहे झारखंड के खिलाड़ियों के परिजनों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। बांग्लादेश ने ढाका में खेले गए पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से दी मात, 5 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त से हासिल की। भारत इंग्लैंड सीरीज के दौरान इंग्लैंड के पूर्व कप्तान अलिस्टर कुक, नासर हुसैन और माइक अर्थन को मिली अंग्रेजी कमेंट्री की जिम्मेदारी, दो पूर्व भारतीय क्रिकेटर पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और संजय मांजरेकर भी हैं शामिल। अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा, स्टारर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का दूसरा ट्रेलर हुआ रिलीज, 300 महिलाओं और जवानों की त्याग की है कहानी। अक्षय कुमार, वाणी कपूर, हुमा कुरैशी और लारा दत्ता स्टारर बेल बॉटम का ट्रेलर हुआ रिलीज, 1984 के प्लेन हाईजैक की असल घटना पर आधारित है ये फिल्म। अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन के मुंबई शेड्यूल की शूटिंग खत्म की, फिल्म के सेट से फोटोज शेयर कर खुद को दी जानकारी। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद बेटे वियान ने किया पहला पोस्ट, मां शिल्पा शेट्टी के साथ इस अंदाज में नजर आए।
रैपर और सिंगर योयो हनी सिंह यानी हितेश सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने घरेलू हिंसा का मामला कराया दर्ज। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।